हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुलम्स लॉ पढ़ रहे थे, और कुलम्स लॉ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा भी दिए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई, कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, उस पर सफिशेंट क्वेश्चंस करके तब हम आगे चलेंगे। जब उस टॉपिक पर सारे सवाल हम बना लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस तो हम लोगों ने इसके ऊपर कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे बचे हुए हैं। उसके बाद कुलम्स लॉ में एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ और पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। छोटे छोटे से टॉपिक है, इन्हें पढ़ने के बाद में कुलम्स लॉ हमारा फिनिश हो जाएगा और हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर आगे बच्चों पहुँच जाएंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं कंप्लीट। अब सबसे पहले लेक्चर 3, यानी कल का जो लेक्चर था, उसमें बच्चों को किसी किसी प्रॉब्लम में डाउट आया है। अब जिस क्वेश्चन में उन्हें डाउट आया है, वो क्वेश्चन मैं दोबारा से यहाँ सॉल्व करूँगा। ठीक है, बाकी आज के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए नए लेकर आया हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूँ। हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, बिल्कुल फ्री फील करते हुए आप हमसे संपर्क बनाएंगे, और उसमें जो भी आपको डाउट रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगी, वो हम डिस्कस करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूं बेटा, क्वेश्चन से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि उन कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान से सुने, और उन कॉन्सेप्ट्स को सुनने के बाद में फिर आप नए क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, यानी नोट पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट नोट पॉइंट हमारे पास में ये है। आप ध्यान से देखिएगा, एक चार्ज है हमारे पास में यहाँ, ये चार्ज है प्लस क्यू। ओके, एक चार्ज है हमारे पास में यहाँ, ये भी है प्लस क्यू, और एक चार्ज है हमारे पास में यहाँ, ये है माइनस क्यू। समझ रहे हो बेटा, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस भी हमें दे रखी है स्मॉल आर। हमें ये बताना है कि इस चार्ज पर, यानी यहाँ पर कितना फोर्स काम कर रहा है, इस चार्ज पर यहाँ कितना फोर्स काम करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये जो चार्ज आपको दिया गया है, जिस पर मैंने टिक मार्क किया है, उस चार्ज पर कितना फोर्स काम करेगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बेटा आप ये देखिए कि ये चार्ज कितने अदर चार्जेस के साथ में पेयर बनाएगा, यानी ये चार्ज किस किस के साथ पेयर बनाएगा। देखो, एक तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा, यानी एक फोर्स तो इन दोनों के बीच में काम करेगा, और एक फोर्स काम करेगा इन दोनों के बीच में। बात समझ में आ रही है, ये चार्ज एक पेयर तो इसके साथ बना रहा है, और यही चार्ज एक पेयर इसके साथ बना रहा है, यानी एक फोर्स इन दोनों के बीच में काम करेगा और एक फोर्स इन दोनों के बीच में काम करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना कितना फोर्स काम करेगा। भाई सबसे पहले आप ये देखो बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ। इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया इस तरफ। इस तरफ एरो के साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर हमें फोर्स निकालना है ना, जहां हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, आपको एरो का साइन सिर्फ वहां लेना है, और कहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ का चार्ज क्यू है, यहाँ का चार्ज क्यू है, और इनके बीच का गैप है आर। तो मैंने मान लिया है कि फोर्स की वैल्यू हो गई है बेटा एफ, फोर्स मैंने एफ लेट कर लिया है। यहाँ का चार्ज क्यू, यहाँ का चार्ज क्यू, और इनके बीच का गैप है आर, मैंने फोर्स मान लिया है एफ। अब आप इन दोनों के बीच में देखिए बेटा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस और माइनस में होगा अट्रैक्शन, तो ये प्लस माइनस की तरफ, यानी नीचे की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी इस चार्ज पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, ये वाला तो इस चार्ज को रिपेल कर रहा है इस तरफ, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है नीचे। अच्छा, मैं इस फोर्स को भी एफ ही कहूँगा, बस यही बात समझने की है। मैंने इस फोर्स को कहा है एफ, और मैं इस फोर्स को भी कहने वाला हूँ एफ। दोनों फोर्स एफ कैसे हो गए भाई, दोनों फोर्स सेम कैसे हो गए, ये हमें देखना है। देखो बेटा, यहाँ फोर्स की वैल्यू होगी 1/4 πε₀। एक चार्ज कितना है क्यू, दूसरा चार्ज कितना है क्यू, क्यू इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन, इनके जो बीच का गैप आपको दे रखा है, ये गैप है आपके पास में आर, ये हो गया आपके पास में आर स्क्वायर। इनके बीच में इतना फोर्स काम कर रहा है 1/4 πε₀ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
अच्छा यहाँ पर आते हैं, यहाँ जो फोर्स काम करेगा वो होगा इतना, 1/4 pi epsilon naught क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर आपको पता है माइनस तो लेना ही नहीं है, और इनके बीच का गैप है आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, जितना फोर्स यहाँ काम कर रहा है उतना ही फोर्स यहाँ काम कर रहा है, और दोनों फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। देखो ये फोर्स भी एफ और ये फोर्स भी एफ, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब याद करिए कि जैसे ही कूलम्स लॉ स्टार्ट हुआ था, मैंने कूलम्स लॉ से स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ बेसिक बताया था वेक्टर का, कि भैया दो वेक्टर का रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे, एक फोर्स कितना है एफ, दूसरा फोर्स भी कितना है एफ उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट जाएगा बीच में, रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना बेटा वो होगा अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ एफ, अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ एफ। जिन लोगों को पता नहीं है आगे से वो ध्यान रखें, अगर ये वेक्टर ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, अगर ये दोनों फोर्स सेम है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इनके बीच में जाने वाला है, और रिजल्टेंट की वैल्यू रहेगी अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर, अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स रहेगा अंडर रूट टू टाइम्स दोनों में से किसी एक वेक्टर के, यानी इस चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू है अंडर रूट टू, और एफ को हम लिख देंगे 1/4 pi epsilon naught। देखो एफ की वैल्यू हमारे पास में यह है क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी इतना रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा यहाँ पर। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे बेटा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया हो। अभी ऐसे ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ने हैं जिससे कि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कर पाए। आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए अभी हम बात करते हैं नोट पॉइंट नंबर टू की। देखिए नोट पॉइंट नंबर टू क्या है बेटा हमारे पास में, ध्यान से इस क्वेश्चन से काफी हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें एक ट्राइंगल दिया गया है कुछ ऐसे, ठीक है। यहां का चार्ज हमें दिया है, इस कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है ये हमें दिया है प्लस क्यू, इस कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है ये हमें दिया है माइनस क्यू, यहां जो चार्ज रखा गया है ये हमें दिया है प्लस क्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रही हो बात। ये डिस्टेंस भी आपको x दी है, ये डिस्टेंस भी x दी है, ये डिस्टेंस भी x दी है। अब आप झट से समझ जाएंगे, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है, इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल का हरेक एंगल, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और ट्राइंगल का हरेक एंगल 60 डिग्री का होगा, ये हरेक एंगल 60 डिग्री का होगा अगर तीनों साइड सेम है। आपको यहाँ भी फोर्स बताना है कितना काम करेगा, इस पॉइंट का नाम है ए, आपको यहाँ भी बताना है कितना फोर्स काम करेगा, इस पॉइंट का नाम है बी, आपको यहाँ भी बताना है कितना फोर्स काम करेगा, इस पॉइंट का नाम है सी, आपको तीनों कॉर्नर पर यह बताना है कि कितना फोर्स काम करेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तीनों कॉर्नर पर कितना फोर्स काम करेगा। सबसे पहले किसी भी एक कॉर्नर को आप लोग पकड़ लो, जैसे कि ये वाला कॉर्नर, हमने सबसे पहले इस कॉर्नर को पकड़ लिया, यहाँ देखते हैं कितना फोर्स काम करेगा, यहाँ देखते हैं कि कितना फोर्स काम करेगा। देखो ये क्या है पॉजिटिव, और ये भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक फोर्स इधर काम करेगा और एक फोर्स काम करेगा इधर, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक फोर्स इधर काम करेगा एक फोर्स इधर काम करेगा, आप जानते हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बेटा। अब यहाँ आते हैं, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, होगा क्या, प्लस जाएगा माइनस की तरफ और माइनस जाएगा प्लस की तरफ, माइनस जाएगा प्लस की तरफ, ऐसे इनके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा, यहाँ अट्रैक्शन काम करेगा, यहाँ अट्रैक्शन काम करेगा और यहाँ रिपल्शन काम करेगा। अब आप ये देखिए बेटा, इस कॉर्नर पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, इस कॉर्नर पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर एक इधर, इस कॉर्नर पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर और एक इधर। हमें यह बताना है कि तीनों कॉर्नर पर रिजल्टेंट फोर्स कितना काम कर रहा होगा। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है ए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है बी, और इसे हमने नाम दे दिया है सी, ठीक है। अब देखते हैं फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी।
भाई ये वाला जो फोर्स है ये कितना होगा, चार्ज कितना है क्यू, चार्ज कितना है क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स, चार्ज कितना है क्यू, चार्ज कितना है क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, डिस्टेंस कितनी है एक्स, यानी तीनों कंडीशन में चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। अच्छा, फोर्स डिपेंड करता है चार्जेस पर और उनके बीच की डिस्टेंस पर। अगर तीनों कंडीशन में चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो भी सेम होगा। यानी हम ये कहेंगे कि ये फोर्स भी हो जाएगा एफ, ये फोर्स भी होगा एफ, ये भी होगा एफ, ये भी होगा एफ, ये भी एफ और ये भी एफ, हर एक फोर्स को हमने एफ बोल दिया। और यहाँ एफ की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास में, वो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में काम करने वाला फोर्स है। यहाँ जो एफ है हमारे पास में, वो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में काम करने वाला फोर्स है। एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये है, 1/4πε0q²/x², ये हमारी एफ की वैल्यू है। अब देखते हैं, यहाँ आ जाइए, देखिए बेटा हम यहाँ निकालते हैं फोर्स, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये भी एफ और ये भी एफ, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। याद करिए मैंने आपसे क्या कहा था, जब दो सेम फोर्स के बीच में 60 डिग्री बनता है तो रिजल्टेंट उनके बीच में जाएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी अंडर 3 times of F। ये रिजल्टेंट होगा, यानी इस किनारे पर रिजल्टेंट फोर्स इतना काम कर रहा होगा। अब यहाँ आते हैं, एक बात बताइए, अगर ये 60 डिग्री है और ये पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है बेटा, पूरा 180 और ये 60 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल आपके पास में जो बचा, ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा, ये रिमेनिंग एंगल बचा आपके पास में 120 डिग्री। अब मुझे ये बताइए कि ये फोर्स भी एफ और ये फोर्स भी एफ, और इनके बीच में बन रहा है 120 डिग्री का एंगल। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो सेम फोर्स के बीच में, दो सेम फोर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट इनके बीच में जाएगा और रिजल्टेंट भी एफ ही कहलाएगा। यानी ए वाले किनारे पर भी एफ फोर्स काम कर रहा होगा, सी वाले किनारे पर काम कर रहा है √3F और ए वाले किनारे पर काम कर रहा है एफ। अब यहाँ आ जाते हैं, देखो बेटा एक फोर्स एफ, दूसरा फोर्स भी एफ, और ये इनके बीच का जो एंगल हो गया, ये इनके जो बीच का एंगल हो गया, ये हो गया 120 डिग्री। अगर ये भी एफ और ये भी एफ और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, रिजल्टेंट बीच में जाएगा और ये भी हमारा एफ कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स एट ए इक्वल टू फोर्स एट बी इक्वल टू एफ, और एफ की वैल्यू है 1/4πε0q²/x². ए वाले किनारे पर और बी वाले किनारे पर एफ फोर्स काम कर रहा है रिजल्टेंट, जिसकी वैल्यू इतनी है। अब आते हैं सी पर, फोर्स एक्ट एट सी, सी पर जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू है 1/4π, सी पर जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू है √3F, √3, और F को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, यहाँ बनेगा q²/x², दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स एट सी, और ये हो गया है हमारे पास में A और B के बीच में काम करने वाला फोर्स। तो बेटा ना थोड़ा सा आप लोग ये वेक्टर का पॉइंट याद रखो, अगर दो फोर्स के बीच में 60 डिग्री बनेगा तो रिजल्टेंट √3F होगा, अगर दो फोर्स के बीच में 120 डिग्री बनेगा तो रिजल्टेंट एफ होगा, और अगर दो फोर्स के बीच में 90 डिग्री बनेगा तो रिजल्टेंट √2 times of F होगा, यानी √2F होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो और धीरे धीरे आपका जो बेसिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जल्दी से नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई हो बात और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं नोट पॉइंट नंबर थर्ड की। देखिए थर्ड नोट पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास में, नोट पॉइंट थर्ड, अगेन हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। देखिए अगेन हमें एक ट्रायंगल दिया गया है कुछ ऐसे, ठीक है।
यहाँ का चार्ज हमें दिया गया है प्लस क्यू, यहाँ का चार्ज भी है प्लस क्यू, और यहाँ का चार्ज भी है हमारे पास में प्लस क्यू। ये चार्ज भी प्लस क्यू है, ये चार्ज भी प्लस क्यू है, ये चार्ज भी प्लस क्यू है, तीनों चार्ज सेम है इस बार। ये है एक्स, ये भी है एक्स, और ये भी है एक्स। तीनों कॉर्नर पर कितना फोर्स काम करेगा हमें ये बताना है, तीनों कॉर्नर पर कितना फोर्स काम करेगा। भाई अगर चार्जेस एक दूसरे के पास रखे हैं तो डेफिनेटली वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़रूर लगाएंगे, तो तीनों के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना काम करेगा आप लोगों को ये बताना है। करें स्टार्ट, आइए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले इन दोनों के बीच में इस साइड को पकड़ लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को करेगा रिपेल, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ रिपेल करेगा, यानी इनके बीच में रिपल्शन काम कर रहा है ऐसे। अब इनके बीच में आ जाते हैं, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ। समझ आ गई बात? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहां आ जाते हैं, ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ, और ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ। देखो बेटा, अब आप ये देखो कि हर एक कॉर्नर पर दो दो फोर्स काम कर रहे हैं। इस कॉर्नर पर भी आपके दो फोर्स काम कर रहे हैं, हमने इस कॉर्नर को नाम दे दिया नंबर ए, हमने इस कॉर्नर को नाम दे दिया नंबर बी, और इस पर भी दो फोर्स काम कर रहे हैं। हमने इस कॉर्नर को बोल दिया है सी, यहाँ भी दो फोर्स काम कर रहे हैं बेटा। समझ आ रही है आप लोगों को बात? हर एक कॉर्नर पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। अब आप इसके बाद ये देखिए भाई, यहाँ का चार्ज कितना है क्यू, यहाँ का चार्ज भी कितना है क्यू, और उनके बीच का गैप कितना है एक्स। चार्जेस भी सेम, उनके बीच का गैप भी सेम। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, दोनों चार्जेस भी सेम, उनके बीच का गैप भी सेम। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, चार्जेस भी सेम और उनके बीच का गैप भी सेम। अगर तीनों कंडीशन में चार्ज क्यू क्यू है और उनके बीच का गैप भी एक्स है, तो इसका मतलब है सेम फोर्स काम करेगा। तो मैं ये कह देता हूँ बेटा कि यहाँ भी फोर्स काम करेगा एफ, और यहाँ भी फोर्स काम करेगा एफ, यहाँ भी फोर्स काम करेगा एफ, और यहाँ भी फोर्स काम करेगा एफ, यहाँ भी फोर्स काम करेगा एफ, और यहाँ भी फोर्स काम करेगा एफ। हर एक कॉर्नर पर एफ एफ फोर्स काम करेंगे, हर एक कॉर्नर के ऊपर। अच्छा, अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये भी कितना होगा 60 डिग्री, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। हर एक केस में ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब आप देखो, ये फोर्स कितना है एफ, ये फोर्स कितना है एफ, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अगर दो फोर्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है, सेम फोर्स के बीच में अगर दोनों फोर्स एफ एफ है और उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, तीनों केस में 60 ही बन रहा है और तीनों केस में फोर्स भी सेम है, तो तीनों केस में जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में जाएगा और वो कहलाएगा अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ एफ। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर और सी वाले पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर सेम फोर्स काम करेगा। यहाँ भी अंडर रूट थ्री एफ काम करेगा रिजल्टेंट, यहाँ भी रिजल्टेंट काम करेगा अंडर रूट थ्री एफ, और यहाँ भी काम करेगा अंडर रूट थ्री एफ। तो रिजल्टेंट काम करने वाला है हमारे पास में अंडर रूट थ्री एफ। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ आई हो और यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। तीनों किनारों पर सेम फोर्स काम करेगा, फोर्स एट ए इक्वल टू फोर्स एट बी इक्वल टू फोर्स एट सी इक्वल टू अंडर रूट थ्री एफ। और यहाँ एफ की जो वैल्यू है बेटा, एफ क्या है, एफ है किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में काम करने वाला फोर्स। इन दोनों के बीच में एफ फोर्स काम करेगा, इन दोनों के बीच में एफ फोर्स काम करेगा, और इन दोनों के बीच में एफ फोर्स काम करेगा। यानी एफ को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो फोर्स एट ए इक्वल टू फोर्स एट बी
equal to force at C equal to under root 3 1 upon 4 pi epsilon naught, और यहाँ आएगा q square और यहाँ आएगा x square, तीनों किनारों पर इतना फोर्स काम करेगा बेटा हमारे पास में, तीनों कॉर्नर पर इतना फोर्स काम करेगा। उम्मीद करते हैं कि भाई आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, जो पूरी प्रॉब्लम हमने आपको समझाई है, जो एक सही तरीके से एक सही डायरेक्शन पर हम आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन ना बहुत दमदार होने वाले हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत क्लियरिटी होना, मतलब इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया हो और कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। ठीक है, ये हमारे पास में कंडीशन रहने वाली है। आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास में रहेगी। हम आते हैं नोट पॉइंट नंबर 4 में। देखो बेटा, नोट पॉइंट नंबर 4 अपने पास में ये है, ट्राइंगल हमें गिवन दिया है कुछ ऐसे। ओके, यहाँ का चार्ज हमें दे रखा है प्लस क्यू, यहाँ का चार्ज भी हमें दे रखा है प्लस क्यू, और यहाँ का चार्ज भी हमें दे रखा है प्लस क्यू। ये साइड भी हमें दे रखी है एक्स, ये साइड भी हमें दे रखी है एक्स, ये साइड भी हमें दे रखी है एक्स। अब जैसे ही आप डायग्राम को देखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि तीनों साइड सेम है, तीनों कॉर्नर पर चार्ज भी सेम है, और तीनों साइड सेम है, तो इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के सेंटर पर यानी यहां पर एक चार्ज रखा गया है, और ये चार्ज है स्मॉल क्यू। इस ट्राइंगल के सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है, ये चार्ज है भाई आपके पास में स्मॉल क्यू। आपको ये बताना है कि यहां कितना फोर्स काम कर रहा होगा। इस ट्राइंगल के सेंटर पर एक चार्ज रखा है, ये चार्ज है स्मॉल क्यू। आपको ये बताना है कि यहाँ कितना फोर्स काम करेगा, यहाँ कितना फोर्स काम करेगा, आपको ये बताना है। करें स्टार्ट, चलिए देखते हैं कि यहाँ कितना फोर्स काम करेगा। भाई सबसे पहले तो हमें यार इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स हमें यहाँ निकालना है, निकालना है ना फोर्स हमें यहाँ। तो मैंने एक काम किया, मैंने इस डिस्टेंस को स्मॉल ए मान लिया कि भाई ये डिस्टेंस स्मॉल ए है। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल ए है तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल ए होगी। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगर ये डिस्टेंस स्मॉल ए है तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल ए होगी, क्योंकि ये वाला चार्ज इसके बिल्कुल सेंटर पर रखा है, ये चार्ज बिल्कुल इसके सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, अब आप एक बात देखिए बेटा, यह है पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा नीचे की तरफ ऐसे, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ ऐसे, और ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ ऐसे। यानी यहां पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया नीचे, इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया इधर, इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया इधर। अब आप ध्यान से देखिए, यहां चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, यहां चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ए। चार्ज स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए, चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए, चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए, यानी तीनों केस में, तीनों फोर्स में चार्जेस भी सेम है और उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है। और जब चार्जेस और डिस्टेंस सेम होती है, देखो ये चार्ज कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, तो फोर्स सेम हो जाता है बेटा। तो हम कहेंगे कि तीनों फोर्स सेम हो गए, ये भी एफ, ये भी एफ और ये भी एफ। बात समझ में आ रही है?
यानी सेंटर पर जो चार्ज रखा है उस चार्ज पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स इधर काम कर रहा है F, एक इधर काम कर रहा है F, एक नीचे काम कर रहा है F। वो जो तुम्हारी 11th कोविड की वजह से थोड़ी बेसिक लूज रह गई है या जहाँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हम ये कहेंगे कि भैया ऐसा है, तीन फोर्स काम कर रहे हैं ऐसे, एक फोर्स काम कर रहा है नीचे F, एक फोर्स काम कर रहा है इधर F और एक फोर्स काम कर रहा है इधर F। अब आप एक बात देखिए बेटा, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, ये भी है हमारे पास में F। अब आप एक बात देखिए, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा यानी ये वाला एंगल जस्ट इसका डबल हो जाएगा। ये थ्योरम हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री यानी ये एंगल हमारे पास में 120 डिग्री हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये फोर्स कितना है भैया F, ये कितना है F और इनके बीच का एंगल कितना है 120। जब दो सेम फोर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में जाएगा और ये भी F कहलाएगा, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हो गया F, इसका और इसका रिजल्टेंट हो गया F, हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया F। बात समझ में आ रही है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर चला गया F और एक F जा रहा है नीचे, यानी अब बीच वाले चार्ज पर तीन फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन दोनों का तो एक बना दिया, ये हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल कर तो ये एक बना दिया। अब इन दोनों फोर्स की वैल्यू देखो, ये कितना है F और ये भी कितना है F, देखो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट है या नहीं है, एक दूसरे के ओपोजिट है या नहीं है, और दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम, ये भी क्या है F, ये भी क्या है F, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस चार्ज पर जो नेट फोर्स काम करेगा यानी टोटल फोर्स काम करेगा वो जीरो के बराबर काम करेगा, यानी सेंटर वाले चार्ज पर, यानी यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है ना बेटा, यहाँ ये जो चार्ज रखा हुआ है इस पर जो नेट फोर्स काम करने वाला है वो हमारा ज़ीरो काम करने वाला है, यहाँ जो नेट फोर्स काम करेगा वो हमारा ज़ीरो काम करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो बात, और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना हो, आप आराम से पूरी कंडीशन को कर पाएँ, कैसे कैसे फोर्स काम कर रहा है, कैसे हमने कैंसिल आउट किया है, इस प्लस ने इसे इधर रिपेल किया इस प्लस ने इसे इधर रिपेल किया, इस प्लस ने इसे नीचे रिपेल किया, पहले हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया बीच में आ गया, फिर इससे इसे कैंसिल आउट कर दिया और नेट फोर्स आ गया हमारे पास में जीरो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करेंगे बेटा। उम्मीद है कि कंडीशन आप लोगों को समझ आ गई हो और कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा हम नोट पॉइंट नंबर 5 पर और देखते हैं कि नोट पॉइंट नंबर 5 क्या है अपने पास में। देखिए नोट पॉइंट नंबर 5 में हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दे रखा है, कुछ ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वैल्यू है प्लस क्यू, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वैल्यू भी है प्लस क्यू, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, इसकी वैल्यू भी है स्मॉल क्यू। ये वाली जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ये है 4 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर रहने दो, ये दे रखी है आपको एक्स और ये भी आपको दे रखी है एक्स। आपको बताना है कि यहाँ इस पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना काम करेगा, यहाँ इस पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना काम करेगा आपको ये बताना है। तो बेटा देखो हमसे जो फोर्स पूछा गया है वो यहाँ पूछा गया है, या हम ऐसा कर लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, चलो अभी प्लस क्यू ही रखते हैं, अगले एग्जाम्पल में माइनस क्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ बताना है टोटल फोर्स कितना होगा। तो भाई एक तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और एक ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जरा बताइए आप लोग मुझे, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, करेगा, ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ। अब चूंकि फोर्स हमें यहाँ निकालना है तो मैं इस कॉर्नर को ले रहा हूँ, उधर फोर्स मैं नहीं दिखा रहा हूँ,
और ना मैं यहाँ फोर्स दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ दिखा रहा हूँ फोर्स। यहाँ चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, यहाँ चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स। यहाँ कैपिटल क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस है एक्स। ये बताओ चार्जेस और डिस्टेंस सेम है या नहीं है। हम डिफरेंट के भी सवाल करेंगे लेकिन पहले सेम के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। चार्जेस और डिस्टेंस सेम है, चार्जेस और डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ कितना फोर्स काम करेगा एफ, यहाँ भी कितना फोर्स काम करेगा एफ, और ये है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है बेटा, ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब आप देखिए कि इस किनारे पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहा है एफ, नीचे की तरफ भी काम कर रहा है एफ, और ये एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट जाएगा बीच में, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में जाएगा, और रिजल्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं, जल्दी से बताइए मुझे क्या होगी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट होगा जब दो सेम फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल काम करता है, तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ एफ, यानी इस किनारे पर जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा वो होगा अंडर रूट टू एफ। यानी हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स एट दिस कॉर्नर इज अंडर रूट टू एफ। अच्छा एफ को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एफ है क्या, एफ है इन दोनों के बीच में काम करने वाला फोर्स एफ है, और इन दोनों के बीच में काम करने वाला फोर्स एफ है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ क्या हो सकता है, एफ हो सकता है 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सो रिजल्टेंट फोर्स इज अंडर रूट टू, एफ की जगह हम लिख देंगे 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इतना फोर्स हमारा रिजल्टेंट रहने वाला है बेटा, इतना फोर्स इस कॉर्नर के ऊपर काम करेगा, इस तरीके से हम कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारे पास में, बिल्कुल प्रॉब्लम ऐसी ही है, कोई नई बात हमने प्रॉब्लम के अंदर नहीं लिखी, प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ का चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ का चार्ज है हमारे पास में स्मॉल क्यू, और यहाँ का चार्ज है माइनस क्यू। ये डिस्टेंस हमें दे रखी है एक्स और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है ए। इस बार डिस्टेंस डिफरेंट हो गई, ये एक्स है और ये ए है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये कितनी हो गई एक्स और ये कितनी हो गई हमारे पास में ए। ये कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये माइनस क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये एक्स, ये ए। हमें बताना है कि यहाँ इस कॉर्नर पर कितना फोर्स काम करेगा। अब आप देखो बेटा, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा यहाँ चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, यहाँ चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, डिस्टेंस है ए। हमने इस फोर्स को नाम दे दिया इस बार एफ वन। एफ वन हमने क्यों कहा, हमने एफ क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस एक्स है और यहाँ की ए है। अब यहाँ आते हैं, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा नीचे की तरफ, और हमने इस फोर्स को नाम दे दिया बेटा एफ टू। एफ टू आप समझ रहे हैं, चार्जेस तो सेम है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है, और इनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। एक फोर्स है एफ वन, एक है एफ टू, और उनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। अब देखते हैं कि रिजल्टेंट हम कैसे बनाएंगे। बेटा जब दो फोर्स के बीच में कोई एंगल बने, कोई भी रैंडम एंगल बने, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला है अपने पास में एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2, और साथ में होगा अपने पास में cos थीटा। ये रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका होगा। ये हो गया f1, ये हो गया f2, और ये है 90 डिग्री। तो बस हम एक काम करेंगे, यहाँ f1 ही रखेंगे। ये हो गया हमारे पास में f1 square plus f2 square plus 2f1 f2, थीटा की जगह हम लोग रख देंगे 90। cos 90 होता है 0, और cos 90 के 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म हो गया 0। cos 90 की जो वैल्यू है ना बेटा हमारे पास में, cos 90 है 0,
जब यहाँ जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म हमारे पास में जीरो हो गया, ठीक है। तो मेरे पास में जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो है अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर। मेरे पास में रिजल्टेंट फोर्स आया है इतना, अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर। अच्छा, अब देखो एफ वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो एफ वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वन को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एफ वन। एफ वन इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस है ए स्क्वायर। और अगर हम चाहें तो एफ टू को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम चाहें तो एफ टू को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, यहाँ का चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और उनके बीच की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। ये एफ वन है, ये एफ टू है, और अगर हम चाहें तो इन दोनों की वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ रख सकते हैं, तो बेटा रिजल्टेंट आएगा अपने पास में अंडर रूट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दूसरी जगह आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन जाएगी हमारे पास में नेट फोर्स की वैल्यू, ये हमारे पास में नेट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया हो आप लोगों को, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है। जब भी डिफरेंट फोर्स आपके पास में रहेंगे, डिफरेंट फोर्स, वहाँ रिजल्टेंट निकालने का ये तरीका आप लगाएंगे। देखो, एक तो सेम फोर्स के केस में रिजल्टेंट कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, 60 डिग्री में कैसे, 90 डिग्री में कैसे, 120 डिग्री में कैसे। और अगर डिफरेंट फोर्स दे रखे हैं, डिफरेंट फोर्स हो या सेम फोर्स हो, ये फॉर्मूला तो हर जगह काम करेगा, बस आपको दो फोर्स के बीच का एंगल देखना है कितना होगा। इसके अलावा एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा, वो भी बड़ा सुपर मेथड है, ठीक है, उसका यूज़ बड़े अच्छे सवालों के अंदर किया जाता है। पहले आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे बात करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ रही होंगी। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, कहीं अगर हल्का सा भी डाउट आप लोगों को लग रहा है, पहली बात तो मैं आप लोगों को सभी लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, चार्ज के जो कुछ लेक्चर आप लोगों ने ऑफलाइन आकर लिए थे वो भी मैं आपकी एप्लीकेशन में एक दिन या दो दिन में अपडेट करा दूंगा, यानी आपके पास में शुरुआत से लेकर अभी तक के सारे लेक्चर पहुंच जाएंगे। आप कभी भी कोई भी लेक्चर दे सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। आप अपने अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करिए, होमवर्क कॉपी के अंदर अपना काम करिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिस्टम ब्रेक हुआ, आपने बीच में लेक्चर छोड़े कि भाई कल पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, अभी मन नहीं कर रहा है, अभी आलस आ रहा है, उस कंडीशन में आपके लेक्चर छूटने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बार अगर लेक्चर छूट गए, फिर आप दोबारा से अपने वो लय कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जैसी जिस डायरेक्शन में आप लोग जाना चाह रहे हैं। तो कुछ भी करके, भले ही आप ऐसा कर लो कि जैसे आप 3 बजे 4 बजे या शाम को 6 बजे हमारे पास पढ़ने के लिए आते थे, अपना टाइमिंग आप फिक्स कर लो कि भैया 3 बजे मेरा फिजिक्स का लेक्चर होता तो मैं 3 बजे ही अपना लेक्चर बैठ कर देखूंगा, और कुछ भी हो जाए मुझे 3 बजे ही अपना लेक्चर देखना है, या मुझे 4 बजे ही अपना लेक्चर देखना है, या मुझे शाम को 6 बजे ही अपना लेक्चर देखना है। अगर आप थोड़ा सा विल पावर अपनी स्ट्रांग रखेंगे ना बच्चों, तो फिजिक्स में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और यकीन मानिए, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपके यहाँ पर क्लियर करूँगा। और कहीं भी अगर आपको परेशानी आ रही है तो थ्रू कॉल, थ्रू SMS या इंस्टीट्यूट आकर आप अपने डाउट को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पर आप लोग हमें अपना होमवर्क सेंड करते रहिए, तभी हम आपकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर पाएंगे। अच्छा, इस संडे के लिए मैंने आपको टेस्ट भी असाइन किया है, कुलम्स लॉ का टेस्ट है। कोशिश करूंगा कि संडे तक मैं आपको कुलम्स तो पूरा कंप्लीट पढ़ा दूं। चार्ज का टेस्ट आपका हो गया था, उसकी कॉपीज़ वगैरह भी आपकी चेक हो गई हैं, मार्क्स भी आप लोगों के आ गए हैं, मार्क्स हमने यहाँ नोटिस बोर्ड वगैरह पे पब्लिश किए हैं, एक दो दिन में आपके पास में SMS भी पहुँच जाएगा उसका, या पहुँच चुका होगा, ठीक है। बस आप लोग अपना काम प्रॉपरली करते रहें, सभी चीज़ों को वेल मैनेज तरीके से आप लोग लेकर आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, ये हमें ट्रायंगल दिया है, ठीक है। यहां का चार्ज हमें दिया है Q1, यहां का चार्ज हमें दिया है Q2, यहां का चार्ज हमें दिया है Q3,
ये डिस्टेंस है हमारे पास में x, ये भी है x, ये भी है x, ये एंगल हमें दिया है 60 डिग्री। इस कॉर्नर पे आपको फोर्स निकालना है कितना होगा। मैं चाहूँगा कि आप खुद से करें, मैं हल्का सा गाइडेंस आप लोगों को दे रहा हूँ कि कैसे प्रॉब्लम बनानी है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, यानी एक फोर्स इधर काम करेगा F1 और एक फोर्स आपका इधर काम करेगा F2। दो फोर्स काम कर रहे हैं। हमने दोनों को डिफरेंट डिफरेंट फोर्स क्यों कहा बेटा, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन इस बार चार्जेस डिफरेंट है। इस वाली लाइन में जो चार्ज है वो Q2 और Q1 है और यहाँ जो चार्ज है वो Q2 और Q3 है, इसीलिए हमने फोर्सेस को डिफरेंट कहा है। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप देखो कि एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। रिजल्टेंट जाएगा बीच में और रिजल्टेंट की वैल्यू आपके पास में, जो हमारे पास में कॉमन फार्मूला है, उससे आप सॉल्व करेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और यहाँ आएगा cos 60 डिग्री। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। F1 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर F1 को आप लिख सकते हैं 1/4π ε0। इन दोनों के बीच में काम कर रहा है F1, सो आप इसे लिख सकते हैं Q2 Q3 / x2। सॉरी, F2 को आप लिख सकते हैं 1/4π ε0 Q1 Q2 / x2। इन दोनों के बीच में काम कर रहा है F1 और जो cos 60 डिग्री की वैल्यू है आपके पास में वो है 1/2। cos 60 डिग्री है आपके पास में 1/2। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बेटा, ये कंडीशन हमारे पास में रहेगी। इन दोनों की वैल्यूज उठाकर यहाँ रखें, पूरा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन करेंगे पूरा सॉल्व करेंगे तब जाकर कहीं आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लास्ट नोट पॉइंट की बात करेंगे। आज की क्लास का हमारा लास्ट नोट पॉइंट, ओके चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लास्ट नोट पॉइंट की। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट नोट पॉइंट है। देखो बेटा, हमें गिवन दिया गया है एक स्क्वायर, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ भी चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ चार्ज है प्लस क्यू। आप जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइडें आपस में होती हैं सेम, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में यानी यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है और वो है स्मॉल क्यू। आपको ये बताना है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा है इस पर कितना फोर्स काम करेगा। सेंटर पे जो चार्ज हम लोगों ने रखा है इस पर कितना फोर्स काम करेगा, तो सबसे पहले आप ये देखो बेटा कि सेंटर पे ये जो स्मॉल क्यू चार्ज रखा है इसके चारों तरफ और अदर चार्जेस कितने रखे हैं। स्मॉल क्यू के चारों तरफ ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, यानी एक फोर्स काम करेगा इनके बीच में, एक फोर्स काम करेगा इनके बीच में, एक फोर्स काम करेगा इनके बीच में और एक फोर्स काम करेगा इनके बीच में, ऐसे। अब आप देखो बेटा, ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ और ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ। इस तरीके से चार फोर्स काम कर रहे हैं बेटा, ऐसे यहाँ सेंटर पर चार फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। अच्छा, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस ये है, बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस ये है, बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस ये है। अगर डिस्टेंसेस भी सेम है और चार्जेस भी सेम है, भाई यहाँ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो फोर्सेस भी सेम होंगे, चारों फोर्सेस भी आपके सेम होंगे और ये सभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देखो, ये भी एफ और ये भी एफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट। ये भी एफ और ये भी एफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल आउट। तो यहाँ जो नेट फोर्स काम करेगा ना बेटा,
सेंटर पे जो चार्ज रखा है, यहाँ जो नेट फोर्स काम करेगा वो जीरो काम करेगा, यानी स्क्वायर के सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स जीरो काम करने वाला है। तो बच्चों उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ आए होंगे। अभी कूलम्स लॉ में क्लास लगेगी, 2-3 क्लास और लगेगी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मिस करके हम लोग ना चले, क्योंकि हमारे पास में बहुत सफिशेंट टाइम है। हम बाद में उन चीज़ों को पढ़ें, इससे बेहतर यह है कि शुरुआत से ही हम चीज़ों को बहुत डिटेल्ड बेसिस पर एनालिसिस करके चले। फिर जिन लोगों को सिर्फ बोर्ड पढ़ना है वो अपना सभी चीज़ों को पढ़कर सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व कर ले, उनका बोर्ड क्लियर हो गया। जिन्हें नीट पढ़ना है वो एनसीईआरटी के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उनका नीट हो गया। जिन्हें जेई पढ़ना है वो अपने नोट्स के साथ एससी वर्मा कर लेंगे, उनका जेई क्लियर हो गया। जिन्हें एडवांस पढ़ना है वो थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एडवांस हो गया। ठीक है, आप इसमें से किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। मैं पढ़ा आपको सब कुछ रहा हूँ, बोर्ड लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, इसमें सभी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो रही है बेटा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।